तो सुन मेरे दिल ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड डेफिनेटली आपको शॉक देने वाली है। क्या होगा भैया एग्जैक्टली? आपको कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जो स्टोरी का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगा। कोई ऐसा सीन जिसको देखने के बाद आप होंगे परेशान के ये क्या हो गया, लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी और खास तौर पे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर तो मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपने मिस्टर नुमान व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, जहां पर ट्रेंडिंग फनी और कॉमिक वीडियोस देखने को मिलती हैं, तो भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लेटेस्ट व्लॉग का लिंक मिल जाएगा। जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पीके लक्सेस की तरफ से वहां पर भी लग्जरी गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे लेटेस्ट एपिसोड में हमशा की समझ नहीं आ रही। मतलब ठीक है, वो तुम्हारा दोस्त है और तुम उसकी कलीग हो, बट दैट डजंट मीन कि तुम उसके इतना क्लोज होने लग रही हो। भले ही जिस मर्जी कंडीशन के अंदर भी एक थोड़ा सा बंदा डिस्टेंस रख के किसी को पकड़ता है। अच्छा चलो, यहां पर आप कहोगे कि नहीं भैया वो तो मरने वाला था, वहां पर बंदे को अपनी होश नहीं होती, मेक सेंस। उसके बाद वो ये कहती है डॉक्टर से कि मैं कब तक इसको लेकर जा सकती हूं? इट्स फाइन नाउ, थोड़ी देर रेस्ट कर लें, फिर आप उसे घर ले जा सकती हैं। समझ रहे हो भैया, तू उसको घर क्यों लेकर जाएगी? और फिर आपको वो सीन भी दिखा दिया जाता है जहां पर ये इसको अपने हाथ से सूप पिला रही है और ऐसे तिमारदारी कर रही है जैसे ये शायद उसकी माँ बहन बेटी या बीवी हो, जबकि इसका उसके साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर हमशा का जस्ट बींग कोलीग और फ्रेंड होने के नाते इस लेवल की क्लोजनेस होना और उसके पीछे रोना के मतलब यहां पर ये उसकी इतनी पेन लेती है कि जाकर स्पेशली बुलाकर ला रही है सदफ को, भाई तुम इतनी तगोदो कर क्यों रही हो? मतलब ठीक है, वो मैंने आपको बताया कि शायद इसका रुझान बिलाल अब्दुल्ला की तरफ हो। ये बिल्कुल इस ड्रामे के अंदर वही काम कर रही है जो तेरे बिन में हया ने किया था, क्योंकि वहां पर भी उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो था ना वो बन रहा था किसी तरह से वहाज के कैरेक्टर के साथ। तो यहां पर मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आती है। अदरवाइज अगर ये सोचा जाए कि नहीं भैया इसके दिल में इसी के लिए मोहब्बत है, तो कौन अपनी मोहब्बत को उस इंसान को जिससे उससे प्यार हो किसी और के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेगा? तो बड़ा स्ट्रेंज करेक्टर है। मतलब आपकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए कि आप एग्जैक्टली एज अ लड़की चाहते क्या हो, आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी लड़की इस तरह से बिना किसी कनेक्शन के किसी के साथ इतना क्लोज नहीं हो सकती। जैसे हमशा को दिखाया जा रहा है कि वो अमार के पीछे उसका मसला रिजॉल्व करने के लिए मरी चली जा रही है। भैया दोस्ती भी थी तो क्या किस लेवल की दोस्ती, क्योंकि पहले तो कहीं पर दिखाया नहीं। डायरेक्टली वो यहां पर आया था इंटरव्यू देने और फिर उसकी जॉब हो जाती है, वो भी मतलब इसके रेफरेंस से नहीं, सद्दफ के बाप के रेफरेंस से आया था। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट से मैच नहीं हो रही। अच्छा, अब यहां पर जो हमारी हमशा है उसने कहीं से मुंह से वो सद्दफ को लेकर आती है उस पॉइंट पर कि भाई तुम्हारे दिल में कुछ भी अगर है ना, कि मतलब तुम्हें इससे प्यार नहीं है, तो इसको कह दो। अरे अकल की अंधी, इस स्टेज पर जब इंसान जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा हो, वहां तो कोई बेवकूफ ही होगा कि जाकर उसको ये कहे कि अरे भैया मरना है तो मर जो, मेरे को तेरे से कोई प्यार नहीं। अब इस तरह की स्टूपिडिटी तो कोई भी नहीं करेगा ना, ह्यूमैनिटी भी कोई चीज़ है। और ह्यूमैनिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप किसी के साथ इंसानियत के नाते कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी। तो ये बड़ा अजीब सी बात थी कि यहाँ पर हमशा क्या प्रूफ करना चाह रही थी, सदफ के मुँह से क्या और क्यों निकलवाना चाहती थी? वो इतनी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रही, क्या उसके अंदर खुद की कोई अकल नहीं है? सारी चवलियाँ तो एक साइड पर, यहाँ पर डॉक्टर बिना खाला किलो का काम करने लग रहे हैं इस ड्रामे के अंदर। जरा गौर से सुने, प्रॉब्लम क्या है? I mean, he's so young and handsome. Job भी अच्छी जगह करता है. Then, what's wrong with him? वाह भैया वाह, मतलब तुझे बहुत टेंशन है कि तेरा पेशेंट ऐसे में यंग है, हैंडसम है और करता है बहुत ही बड़ी कंपनी में। तूने उसका इलाज से पहले लगता है इन्वेस्टिगेशन की थी कि ये बंदा किस तरह की स्पेसिफिकेशंस रखता है। अरे भैया तेरा काम है सिर्फ इलाज से रिलेटेड बात करना, ये नहीं कि मतलब तुम उसके पर्सनल मामला में टाई बन के घुसो और पूछो कि हाँ हाँ हुआ क्या था, ये सारा माजरा क्यों है। अभी तो शुगर है, डॉक्टर ने उसको ये सजेशन नहीं दी कि बीबी तू भी एडीस होनी है, अच्छे खासे गेटस रखती है, अगर उसे कोई रोग लगा ही हुआ है तो जरा उसके रोग को जफ्फी डाल। मतलब देट वॉज वेरी स्टूपिड ना कि डॉक्टर इस तरह की बात क्यों करेगा। आपने एक बड़ा ही अजीब सीन दिखाया। खलीलुर रहमान ना मुझे मतलब इस ड्रामे की इस लेटेस्ट एपिसोड के जो सीन था ना, वो देखकर कहीं लग रहा था कि शायद अब ये बंदा बुड्ढा हो रहा है, इसका दिमागी तवाजन ना थोड़ा सा हिल रहा है। फिर एक और बात सोचने वाली है कि ये जो अमार है, क्या मतलब ये दुनिया में अनाथ है क्या? इसका कोई माँ बहन आगे पीछे कुछ भी नहीं है कि ऐसी सारी कंडीशन में उसको जब रेस्क्यू करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, पूछना चाहिए उसके बारे में, तो ये कुलीग सारा काम कर रही है, इसके बाकी रिलेटिव कहाँ पर है, ये कहाँ रहता है, इसका क्या बैकग्राउंड है? तो भैया ये वो सारी बोंगियाँ थी जो लेटेस्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर जो चीज़ अच्छी लगेगी हम साथ साथ अप्रिशिएट करेंगे, बट लेटेस्ट एपिसोड खासी बोरिंग थी। बट
आई एम वेरी हैप्पी टू सी द टीजर क्योंकि वहां पर कुछ डेवलपमेंट हुई है। वो क्या, जो कि मेरे ख्याल से ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को काफी शॉकिंग बना देता है। देखिए, जो हमारा सदफ का करेक्टर है ना, वो बहुत ज्यादा आप मान लो कि इन्वॉल्व हो रही है बिलाल अब्दुल्ला के अंदर, इन अ सेंस के यहाँ पर उसने उसकी बहुत बड़ी हेल्प की है, बिल्कुल समझ में आता है। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर कोई इंसान आपकी किसी भी लेवल पर जाकर कोई बहुत बड़ी हेल्प कर रहा है, दैट डजंट मीन के इन रिटर्न आपके फीमेल होने का वो फायदा उठाए और आपको किसी भी गलत एंगल से यूज करे, या फिर आप वही हमशा वाली बात के अपने आप को उसकी लौंडी ही बना दो। एक्चुअली तो बिलाल अब्दुल्ला को अगर देखा जाए तो इसकी वो नज़ाकत ही पसंद थी, इसका वो शर्माना, झिझकना और सामने ना आना। इनफैक्ट उसने तो इसके बाप को ये तक कहा कि जब तक तुम्हारी बेटी यहाँ पर काम करेगी मैं सामने भी नहीं आऊँगा। तो कुछ ऐसा तो खैर इसने, उसकी बेटी ने खुद ही बरहम नहीं रहने दिया। वो भाग भाग कर जाती है उसके ऑफिस के अंदर, तो उसने कहीं पर भी ये डिमांड नहीं की आपसे कि आप मुझे हर मामले में ये ऑफर करवाती हूँ, उस टाइम भी कि जब मैं आपको पैसे दे रहा था, कि हाँ मुझे इसके बदले में क्या करना पड़ेगा। चलो वो तो बात अब थोड़ी सी पुरानी हो जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अगेन जब ये उसके ऑफिस में जा रही होगी तो हमशा उसको समझाएगी कि फॉर गॉड सेक, अगर तुम उस इंसान की ज़िंदगी चाहती हो तो कम अज़ कम यही कर लो कि तुम इतना ज़्यादा बिलाल अब्दुल्ला के आगे पीछे मत भागो। जो कि अगेन एक थोड़ा सा आपको डाउट में डालती है चीज़ के हमशा का कहीं यही तो प्लान नहीं है कि किसी भी तरह से बस इसको रोका जाए, बिलाल के साथ ये बहुत ज़्यादा आगे ना निकल। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन ये होगा कि भैया आपने ये सीन देखा जहाँ पर वो जो ब्लड क्रॉस मैच हुआ था वो बिलाल के साथ ही हुआ था, और उसने अपना ब्लड दे के यहाँ पर उसके भाई की लाइफ को रेस्क्यू किया है, और अब वो इतना कमज़ोर हो चुका है, उसका वो चूची की तरह मुँह निकल आया है और यहाँ पर सही से चला भी नहीं जा रहा, एयरपोर्ट के ऊपर अगला लड़खड़ा रहा है। अब ऐसी कंडीशन में जहां पर उसने उसके भाई को बिल्कुल सेहतमंद कर दिया, अपना खून देकर, अपना पैसा देकर, ये तो एग्जैक्टली इसने अपनी खून पसीने की कमाई दी है कि कहीं से भी मतलब आप कोई भी एंगल छोड़ नहीं सकते कि हाँ भैया पैसा भी दिया, अपना खून भी दिया और बेलॉस मोहब्बत भी दी। तो ये इस तरह वाला सीन है हमारे बिलाल अब्दुल्ला का। अब ऐसी कंडीशन में जब आप इतना कुछ करते हो किसी इंसान के लिए तो वो इंसान ना चाहते हुए भी आपके प्यार में पागल हो सकता है, इसके लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए। लेकिन हमारी ये जो सदफ मोहतरमा है शायद ये कुछ एक्स्ट्रा सेंसिटिव होंगी, क्योंकि ये जो आप इनका बूथा बना हुआ देख रहे हो ना इस पॉइंट के पीछे, क्योंकि ये जो आप इनका बूथा बना हुआ देख रहे हो ना इस पॉइंट पे, इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा कांड हुआ है। अब वो क्या, वो ये कि भैया हमशा ने इसके दिमाग में ये खन्नास भरी है कि जो बिलाल है ना वो औरतों से नफरत करता है, वो औरतों से नफरत करता है, इसलिए औरतों को अपनी लौंडी बनाकर रखता है, अपनी असली पर्सनालिटी उसने मुस्कुराहट के पीछे छुपाई हुई है। वो औरतों से इतनी नफरत करता है कि उनकी मजबूरियों को ख़रीद लेता है और फिर वो औरतें उसके आगे पीछे होती हैं। यही वजह है कि जो इससे पहले भी जो लड़कियां इसके पास आती हैं वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा मजबूर हैं इसके पास आने के लिए कि बिलाल ने उनको ख़रीद लिया है जैसे उसने तुम्हें ख़रीद लिया है। अब पूरे ऑफिस में तुम्हारी जो परसेप्शन है वो महज उसकी एक लौंडी की है कि तुम उसकी रखेल हो, शायद जो उसके पास जाती हो उसके इशारों पर नाचती हो, भले तुम कुछ करती हो नहीं वो एक अलग मैटर है, बट तुम्हारा जो इमेज है ना पूरे ऑफिस के सामने वो ये बन चुका है। और यही वो वजह है कि अमार ने भी जहर खाया या फिर नींद की गोलियां और चला गया था हॉस्पिटल में। अब जब ये सारा कुछ सुनेगी ना, जो मेरे ख्याल से पहले शायद इसको इल्हाम भी नहीं हुआ इन सारी बातों का, तो बेचारी बहुत अपसेट हो जाएगी, परेशान हो जाएगी कि हाय हाय मैंने किस बंदे पर ट्रस्ट कर लिया, हाय हाय। मतलब ऐसी कंडीशन में आप उस इंसान की सारी अच्छाइयां भुलाकर सिर्फ इस चीज़ पर बैठकर सोचोगे कि आपको किसी थर्ड पर्सन ने उसके बारे में क्या कहा है। एंड दैट इज़ ट्रू, लोग बिल्कुल इसी तरह के होते हैं, किसी इंसान की डायरेक्ट जो उसने भलाई की होती है उसको भुला देते हैं और उसके बारे में किसी थर्ड पर्सन ने क्या कहा उसको लेकर बैठकर टेंशन लेते हैं, जबकि वो चीज़ शायद आपने खुद से एक्सपीरियंस भी ना की हो। एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम दे आर गोइंग टू शो इन द नेक्स्ट एपिसोड, जो कि आपको अच्छा खासा शॉक करेगी और ड्रामे के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप करवाएगी। आई टोटली अंडरस्टैंड द फैक्ट कि यहां पर लेटेस्ट एपिसोड थोड़ी बोरिंग थी, बट नेक्स्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाली है, खास तौर पे जो ड्रामे वीक में दो दफा लगते हैं ना उनकी जो पहली एपिसोड होती है वो थोड़ी सी एवरेज होती है, जो दूसरी एपिसोड होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि उसके बाद पूरा हफ्ता ड्रामा नहीं आना होता। तो दिल छोड़ने की टेंशन ना लो, तो दिल मत छोड़ो, यहां पर आप बेफिक्र हो जाओ, कल की एपिसोड में कुछ तड़का लगेगा और वो कुछ इससे मिलता जुलता जो मैं आपको बता चुका हूं। कैसा लगा आपको ये आपने कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना है, और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।